दोस्तों 18 जुलाई के मंडे नाइट रॉ एपिसोड में वीर महान पिछले हफ्ते की तरह फाइट करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन आज एक सेगमेंट के दौरान वीर महान अनाउंसर गर्ल को डरवाते हुए नजर आए और डरवाने के बाद वो मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद मिस आते हैं और मिस बोलते हैं कि शायद वीर महान इस गर्ल को पसंद करते हैं। सच में ये सेगमेंट देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि एक महीना पहले वीर महान कहां बड़े बड़े रेसलरों को धूल चटा रहे थे, आज वो लंडियाबाजी कर रहे हैं बैक स्टेज। आज का सेगमेंट देखकर वीर महान का लग रहा है कि WWE पुश देना बंद कर देगी। अगर ऐसा WWE करती है तो जिंदल माल की तरह भी वीर महान एक जॉबर बनकर आ जाएंगे, या सैंकी की तरह वीर महान भी अब फेस टर्न करके लंडियाबाजी करते हुए नजर आएंगे। सच में एक महीने पहले वीर महान को देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं WWE इंडियन सुपरस्टार को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया है, कम से कम एक इंडियन रेसलर को तो बड़ा सुपरस्टार बनाएगी। लेकिन आज का सेगमेंट देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। अगर वीर महान बाकी सारे इंडियन सुपरस्टार की तरह एक जॉबर बनते हैं तो इंडियंस फैंस काफी निराश होंगे, क्योंकि वीर महान से इंडियंस फैंस काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठी थी। एक महीने पहले वीर महान ब्रॉक लेसनर और रोमन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार से फाइट करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज बैक स्टेज देखकर ऐसा लगता नहीं है। आज के सेगमेंट के हिसाब से देखकर लगता है कि वीर महान अब फनी कैरेक्टर में नजर आएंगे। ये बात कहना गलत नहीं है कि ग्रेट खली सर भी जब WWE में शुरुआत में गए थे तो वो भी बड़े बड़े रेसलर के साथ फाइट कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है सबको पता है कि ग्रेट खली सर को भी एक पंजाबी प्लेबॉय बना दिया गया था। एक खतरनाक रेसलर को चुमी चाटी करनी होती थी, और वैसा ही कुछ वीर महान को भी देखकर लग रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी कही भी बात गलत साबित हो, वीर महान एक बड़ा सुपरस्टार बने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि WWE के बैक स्टेज के लोग को क्या हो गया है। वीर महान को कई महीने से वीर महान कमिंग टू रॉ ऐसे करके बुक किया गया, और एक महीने पूछ देने के बाद उनको जॉबर की तरह बुक करना स्टार्ट कर दिया। बस यही उम्मीद करूंगा कि वीर महान को एक छोटी मोटी स्टोरी लाइन ही दे दे, इससे अच्छा है। तो आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं।